नमस्कार दोस्तों, चंद्रा किचन डिशेज में आप सबका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं मूली के पराठा बनाने। ये मैं बच्चों को नाश्ते में बना रही हूँ। मेरे पास चार मूली बची हुई थी तो मैं सोची कि चलो बच्चों को नाश्ता बना देती हूँ। यहाँ पे हरा धनिया लिया है, इसे बारीक बारीक काट लूँगी। और मिर्चा लिया है हरा, इसे भी बारीक बारीक मैं काट लूँगी। लहसुन ली हूँ, इसे छील के इसे भी बारीक बारीक काट लेंगे। और मसाले में बनाते समय आप सबको दिखाऊंगी। अब देखिए दोस्तों, इस तरफ से मैं इसे घसूंगी, दुकस करना है अच्छी तरह से। मूली में पानी बहुत रहता है दोस्तों, इसे अच्छे तरह से ऐसे निचोड़ लेंगे। इस तरह से, ताकि इसके पानी सब निकल जाए। इसी तरह से सारे, ये देखिए इसमें पानी एकदम निचोड़ ली हूँ। और इसी तरह से ये भी निचोड़ लूँगी। गैस जला दिए हैं, कढ़ाई को रख दिए हैं। इसमें ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, बस एक पर एक तेल डालूंगी। इसमें ज़्यादा तेल नहीं डाल रही हूँ। तेल गरम हो गया है खूब अच्छी तरह से। अब इसमें हम डाल देंगे जीरा, थोड़ा सा हींग डाल रहे हैं, जैसे कि ठंडी के मौसम है। इसी समय हम डाल देंगे लहसुन, मिर्चा। अब देखिए लहसुन ब्राउन हो गया है। अभी बस इसी तरह से ब्राउन हो जाना चाहिए, जलने नहीं चाहिए। अब इसी में हम डाल देंगे मूली और इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। अब इसी समय हम डाल देंगे नमक, इसी समय स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसी समय हम सब्जी मसाला डाल देंगे। और इसे बहुत अच्छी तरह से चला लेंगे ताकि ये जलने ना पाए और इसके पानी सारे सूख जाए। पानी इसमें देखिए मैं बहुत अच्छे से निचोड़ी थी तो सूख गया है। थोड़ी देर तक इसको ढक के रख देंगे पकने के लिए। अब इसे अच्छी तरह से चला लिए हैं और मूली मेरी अच्छी तरह से हो गई है। इसी समय हम डाल देंगे हरा धनिया। अब ये बिल्कुल तैयार है, हो गया है। और इसको हम निकाल देंगे, थोड़ा सा आटा मिला देंगे ताकि ये फिसले ना, जो भी नमी हो सोख ले। इसलिए कहती हूँ स्टेप बाय स्टेप देखिए। और ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी ही हम इसको भरेंगे, गरम नहीं भरेंगे, ठंडा हो जाना चाहिए। मैंने आटे गूंथ रखे थे और ये देखिए एकदम मुलायम है, ना ज़्यादा कड़ा है। क्योंकि कड़ा आटा अगर रहता है तो आपके पराठे जो अच्छे से बनते नहीं हैं, वो फट जाते हैं। इसके इस तरह से मैं लोई बना लूंगी सब। अब इस फिलिंग को ऐसे भर देंगे इसमें अच्छी तरह से। बिल्कुल देखिए अब इसको है, इसे ऐसे चिपका देंगे बिल्कुल। इसके इसको हल्के हाथों से बेलेंगे, बहुत दबा दबा के नहीं बेलेंगे। देखिए कितना अच्छा मेरा पराठा है ये।
बन के तैयार हो रहा है, बिल्कुल फटा नहीं है, बिल्कुल गोल है। आपको मैं दिखाती हूँ अच्छी तरह से, ये देखिए, ये बिल्कुल। तरह से दूसरा भी भर लेंगे अच्छे से फिलिंग। मैं बहुत ज़्यादा फिलिंग डाल के बना रही हूँ ताकि मेरे बच्चों को खाने में बहुत टेस्टी लगे। और वाकई दोस्तों ये बहुत टेस्टी बनता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे अच्छी तरह से पलट लेंगे, एक तरफ हो गया है। अब हम इसे तेल लगा देंगे अच्छी तरह से। देखिए दोस्तों पराठे फूलने लगे हैं। इसे एक औछल से ऐसे दबा देना चाहिए। देखिए कितना अच्छा फूल के तैयार हुआ है। ऐसे ही बाकी सब पराठे बना लेंगे। अब मैं इसे उतार ले रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा पराठा बन के तैयार हुआ है। इसी तरह मैं दूसरे पराठा भी बेल ले रही हूँ अच्छी तरह से। देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। अब इसे डाल देंगे। इस तरह से करछुल से दबा देंगे, जहाँ भी थोड़ा सासी होगा तो उससे फूल जाता है एकदम पराठे। देखिए कितना अच्छा फूल के और बन के तैयार हुआ है। अब इसी तरह से हम सारे पराठे बना लेंगे। दोस्तों देखिए मैंने सारे पराठे बना के रख लिए हैं और अब बच्चों को देने जा रही हूँ खाने के लिए। देखिए मैं तोड़ के आप सबको दिखा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा पराठा भरा भरा बना है, आप देख सकते हो। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप एक बार इस तरह से मूली के पराठे बनाइए। और हमारी रेसिपी ये अच्छी लगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों ये देखिए, ये मैंने सादा पराठे बनाए हैं, त्रिकोने एकदम सादा है। और इसके साथ मैं नारंगी का जैम लगा रही हूँ और ये मैंने बना रखा है। आप हमारे चैनल पे आई बटन दबा के देख सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बना है। आप अपने बच्चों को खिलाइए अपने हाथों से बना के। यदि मेरी ये रेसिपी आप सबको अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना दोस्तों भूलना नहीं। और एक लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं पैसा जाएगा, लेकिन हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। इससे ऐसे करके बच्चों को आप दे दीजिए, बच्चे बड़े चाव से खाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप सबको नमस्कार।